रशिया और यूक्रेन के बीच में एक युद्ध जैसा वातावरण बन गया था और यकीनी वो युद्ध के स्वरूप में जिस तरीके से वर्तमान दौर से गुजर रहा है, वहां पे भारत के अनेकों अनेक बच्चे जो है उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए गए हुए थे। यकीनी तौर पर भारत की सरकार ने उनकी पूरी चिंता की कि हर बच्चा सुरक्षित जो अपने घर तक पहुंच रहे थे, और कठिन परिस्थितियों में भी हर बच्चे को वहां से इवैक्यूएट करवा के उनके घरों तक पहुंचाने का जो प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, उसके लिए पूरा भारत, हर परिवार और हर वो बच्चा प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञ है। यकीनन हमारी बच्ची ख्वाहिश थापा भी जो उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए यूक्रेन गई थी और वहां पर कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए यकीनन मोरल बूस्टिंग बातें आज हमें ख्वाहिश जी ने बताई कि टफ समय में भी हमने अपनी हिम्मत को नहीं हारने दिया और लगा कि हमारे पीछे एक सुरक्षित हमारे प्रधानमंत्री हैं जो हमारी चिंता कर रहे हैं। और किस तरीके से पहले कष्टदायक दौर से गुजरते हुए और दो तीन दिन लगातार बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए वहां पे एक भारतीय का अपना बल दिखाते हुए सेफ जगह पहले पहुंचे और फिर वहां से फ्लाई करके भारत सरकार की सहायता के माध्यम से दिल्ली और दिल्ली से हमारे जम्मू में अपने परिवार में जैसे हमारे बच्चे लौटे हैं। यकीनन आज भारतीय प्रधानमंत्री जी के प्रति पूरा देश कृतज्ञ भी है और आज हम सभी यहाँ अपनी टीम के साथ ख्वाहिश जी को मिलने आए हैं और ख्वाहिश जी की बातें सुन के हमें भी ऐसा फक्र महसूस हुआ कि हमारी आज बच्चियां भी जो है इतनी ताकत रखती हैं कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हम हर हालात में लड़ने को भी तैयार रहेंगे। लेकिन हमें यही होता है कि हमारे पीछे कोई स्ट्रांग फोर्स होनी चाहिए और आज एक रेकनिंग फोर्स जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के रूप में जब हर भारतीय के पीछे खड़ी है तो भारतीय कहीं पर भी कमजोर नहीं है। मैं ख्वाहिश जी को और विशेष करके इनके माता पिता जी को और इनके रिश्तेदारों को बधाई भी दूंगा कि हमारी बच्ची सुरक्षित घर आई है, आने वाले दिनों में हालात ठीक हों, साजगार हों और बच्ची अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए वापस भी जाए और एक अच्छी काबिल डॉक्टर बन के वापस हिंदुस्तान और जम्मू आके अपने लोगों की सेवा करे।